तो कॉम्प्रोमाइज आप हमें मत सिखाइए ना। कॉम्प्रोमाइज का नतीजा ही है कि हम यहां पहुंचे। अब ये हमें कहेंगे कि ना आप लोग भी बीजेपी के साथ थे लेकिन वहां पे, यहां नहीं। इनका मॉडल अलग था, ये वहां बीजेपी के साथ मिलने के लिए तैयार नहीं थे, पता नहीं क्यों, लेकिन यहां लाने में उनको कोई एतराज नहीं था। हमने उल्टा किया, हमने जम्मू कश्मीर के लिए कुछ हासिल करने के लिए एनडीए के साथ वहां हाथ मिलाया, लेकिन बीजेपी को यहां पनपने नहीं दिया हमने। आपको याद होगा राठौर साहब, जब जम्मू में बाय इलेक्शन हुआ लोकसभा का, मैं मिनिस्टर था वाजपेयी साहब की हुकूमत में, उसके बावजूद हमने जम्मू में बीजेपी के खिलाफ अपना उम्मीदवार मैदान में उतारा और जम्मू की सीट से बीजेपी को हरवा के नेशनल कॉन्फ्रेंस का उम्मीदवार कामयाब कराया वहां पे। शायद उसी बात का नतीजा है और उसी बात की सजा हमारे बेचारे रजौरी पुंछ के उम्मीदवारों को दी गई कि जम्मू से काट के उनको अनंतनाग के साथ लाया गया, क्योंकि बीजेपी ने कभी उस हार को तस्लीम नहीं किया। अब हमारे रेजोल्यूशन के हवाले से बात आती है। कहते हैं कि दिस रेजोल्यूशन इज अ कॉम्प्रोमाइज। कहां का कॉम्प्रोमाइज था? पहले दिन तो इसी रेजोल्यूशन को लेके ये सब टेबल थपथपा रहे थे। चलिए अगर उस वक्त माहौल में और गर्मी में एहसास नहीं हुआ, 10-15 मिनट के बाद तो पढ़ा होगा। मुझे गले लगने आए मेरे चेंबर में, मुझे शुक्रिया और मुबारक किया, तब तक तो पढ़ा होगा। मैं मानता हूं जब यहां हाथ में हिला रहे थे तब शायद पढ़ा नहीं था, लेकिन हाउस अर्जन होने के बाद जब बाहर आए तब तक तो पढ़ लिया होगा। लेकिन मुझे गले लगे, मुझे मुबारकबाद किया, कहा कि ये हिस्टोरिक है। पता नहीं 10-15 मिनट में हिस्टोरिक कॉम्प्रोमाइज कैसे बना। ऐसा रेजोल्यूशन लाना जो फटाफट मरकज रद्दी की टोकरी में फेंके, ये तो कोई भी बेवकूफ कर सकता है, इसमें कौन सी अकलमंदी है। मैं अभी दो जुमले कागज पे लिख लूंगा, आपसे पढ़वा लूंगा, 5 मिनट नहीं लगेंगे ना उसको नजरअंदाज करने में। लेकिन एक ऐसा रेजोल्यूशन इस हाउस से पास कराना जिससे लोगों के जज्बातों की तर्जुमानी हो पाए, जिससे कि दुनिया को यह पता चले कि 5 अगस्त 2019 के फैसले में हमारी राय नहीं ली गई, हमारी मंजूरी इसमें शामिल नहीं थी और हम चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर को अपना खसूसी दर्जा वापस मिले, और वो रेजोल्यूशन फौरी तौर मरकज से रिजेक्ट हो ना पाए। मैं तो कहता हूं इससे ज्यादा अकलमंदी का सबूत आपको क्या चाहिए। अगर हमने ऐसा रेजोल्यूशन लाया होता जो फटाफट रिजेक्ट होता, जिन लोगों के इशारों पे अब ये शोर कर रहे हैं वो कहते देखो इस हाउस का कोई मतलब ही नहीं है, इस हाउस की तौहीन हुई और ये लोग खामोश रहे, जम्मू कश्मीर असेंबली इज पावरलेस, बेहतर है ये लोग घर जाके बैठे, इनका कोई मतलब ही नहीं। लेकिन कुछ तो इस रेजोल्यूशन में है कि आज भी तकरीरों में ऑनरेबल होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, बाकी सीनियर मिनिस्टर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के इस रेजोल्यूशन के हवाले से बात करके हमें निशाना बना रहे हैं। अगर ये कॉम्प्रोमाइज होता, अगर ये कमजोर होता, अगर ये उसमें कुछ होता नहीं तो इस रेजोल्यूशन का कहीं जिक्र ही नहीं होता, खामोश रहते, इसके हवाले से कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ती।
उनका जिक्र करना ही इस बात का सबूत है कि जम्मू कश्मीर लेजिस्लेटिव असेंबली ने जो करारदाद, जो रेजोल्यूशन यहां से पास किया है वो वाकई एक हिस्टोरिक रेजोल्यूशन है। इससे दरवाजे खुल जाते हैं, दरवाजे बंद नहीं होते। हमें फ्यूचर की तरफ देखना है, ये देखते हुए कि माजी में हमारे पास क्या था। हम कोई ऐसे अल्फाज इस्तेमाल नहीं करना चाहते थे जिससे कि हम कहीं किसी दायरे में बंद हों या हमारे ऑप्शंस रिस्ट्रिक्ट हों। इसलिए हमने जानबूझ के जम्मू कश्मीर के स्पेशल स्टेटस के हवाले से बात की। मैं जानता हूं इस मौजूदा हुकूमत से, मरकज की हुकूमत से हमें कुछ खास मिलने की उम्मीद नहीं है, लेकिन ये हमेशा के लिए नहीं होंगे। कभी ना कभी तो निजाम बदलेगा, कभी ना कभी तो हालात बदल जाएंगे। तो हम क्यों पहले ही अपने आप को किसी दायरे में बंद करें और कहें कि हम इतना ही आपसे मांगेंगे, इससे ज्यादा नहीं। इसलिए सोच समझ के हमने अल्फाज वो इस्तेमाल किए। कल को मुमकिन है मेरी हुकूमत नहीं होगी, कोई और यहां बैठा होगा और मरकज की हुकूमत बदल गई होगी। उनके लिए एक रोड मैप आगे चौक करना, एक डायलॉग प्रोसेस को आगे बढ़ाना ज्यादा आसान होगा बनिस्बत के अगर हमने आप अपने आप को एक दायरे में बांधा होता। इस रेजोल्यूशन के पास होने के बाद मुझे एक और बात का एहसास हुआ जिस बात की मुझे खुशी है, लोगों को अपनी आवाज वापस मिल गई है, लोग बात कर पा रहे हैं।